खबर मिल रही है बांदा से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का किया पुतला दहन। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में भी महिलाओं पर अत्याचार और शोषण का आरोप लगा फूका पुतला। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जमीन कब्जाने और सामूहिक बलात्कार का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संरक्षण देने का लगाया आरोप। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शुभ नाम आपका। मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस समय कानपुर प्रांत का प्रांत सह संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद SFD और आज हमें इधर पे जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संपूर्ण भारत देश के अंदर प्रत्येक जिले में एक इसी तरह का ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है और पूरे देश का आह्वान है और हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर से आह्वान किया गया है कि हम लोगों को प्रत्येक जिले में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामले जो बार बार हम लोगों के सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए सब जगह ज्ञापन देने के लिए हमारा आह्वान है, राष्ट्रीय आह्वान है। उसी के उसमें हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी छात्रा बहनों और कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विगत कई वर्षों से जो हिटलरशाही चल रही है और बहुत सारे महिलाओं के उत्पीड़न के मामले बार बार हम लोगों के सामने आते हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न व उनके जमीनों में कब्जा करने के विषय को लेकर बहुत बड़ा मामला सामने आया है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार अभी तक चुप है। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता इसका आग्रह कर महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करते हैं कि ऐसी सरकार को उधर पर चलने का अधिकार नहीं है, उसको जल्द से जल्द हटाकर उधर पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा सामने ना आ सके, क्योंकि कई बार ऐसी विभत्स घटनाएं हम लोगों के बीच में हम लोगों ने देखी हैं।